अगली बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है। वन अधिकार अधिनियम पैसा नियम के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन हुआ है। जनजातीय मंत्रणा परिषद के सदस्य, वन विकास निगम के अध्यक्ष शामिल हैं। वन विभाग, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी इस टास्क फोर्स में शामिल हैं। टास्क फोर्स में जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। 13 सदस्यों की ये टीम, टास्क फोर्स टीम बनाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें वन अधिकार अधिनियम पैसा नियम के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन हुआ है। चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता कुलभूषण का, तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। कुलभूषण, पैसा एक्ट के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, किस तरह से पैसा एक्ट में ये जो टास्क फोर्स है ये किस तरह से काम करने वाली है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वन अधिकार नियम और पैसा एक्ट नियम के अंतर्गत टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में समिति में 13 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी अध्यक्षता करेंगे और अध्यक्षता के दौरान तमाम जिलों में जो पैसा एक्ट के लिए अभी चयन होने हैं अधिकारियों के, और तमाम अधिकारी जो है, जो आदिवासी क्षेत्र बहुमूल्य इलाका है, वहां पे आदिवासियों को पैसा एक्ट की जानकारी देंगे। इसके साथ ही वन अधिकार नियम की अगर हम बात करते हैं तो लंबे कुछ समय से लगातार जो वन क्षेत्रों में शिकायतें मिल रही हैं पेड़ काटने की, तमाम ऐसी शिकायतें हमने देखी, और बुरहानपुर क्षेत्र इलाके में जो लगातार वनों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, तो तमाम इस मुद्दों को लेकर और इसके साथ ही ऐसी जो समस्याएं उत्पन्न होती है, इसको लेकर जो है वन अधिकार नियम के अंतर्गत एक फोर्स का गठन कर दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार का की अनदेखी की जाएगी या फिर लापरवाही की जाएगी अधिकारियों की तरफ से, या फिर अतिक्रमण जो वनों की जमीन में किए जाते हैं, जंगलों को काटे जाते हैं, जंगलों की जमीनों पर कब्जा किया जाता है, भू माफिया जो है जमीनों पर कब्जा करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस टास्क फोर्स जो है ये पूरी नजर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में रखेगी। इसके साथ ही पैसा एक्ट, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हित के लिए मुख्यमंत्री ने पैसा एक्ट लागू किया था, और इस एक्ट के जरिए कैसे आदिवासियों को फायदा हो, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में एक 13 सदस्यों का एक पूरा जो दल है वो गठित किया है, और ये दल मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंचेगा। एक चौपाल के माध्यम से जो है आदिवासियों को पैसा एक्ट के नियम बताए जाएंगे और इस योजना का कैसे आदिवासी लाभ ले सके, इसकी जानकारी जो है अधिकारी समिति के सदस्य और जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा आदिवासियों को दी जाएगी। बहुत शुक्रिया कुलभूषण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।